हम बनाने जा रहे हैं पिज्जा, तो पिज्जा का डो और ये इसमें डलती है इष्ट। लेट रही है और अब चाय पियेंगे। पिज्जा बन रहा है फ्रेंड्स और पिज्जे के साथ जो है चाय बनाएंगे। अभी हमने लेट चाय बनाई, मतलब आज हम लेट चाय बनाएंगे हम। तो फ्रेंड्स पिज्जा हो गया तैयार और लेयर देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। स्वादिष्ट एकदम बढ़िया मसालेदार। कैसा लगता है सर? मेरा ना यहाँ पर दूध में से निकाल लूंगी मलाई, फिर चाय बन रही है और बच्चों के साथ खाएंगे अपने घर के बने हुए पिज्जा। तो आज हम बना रहे हैं आलू की पकौड़ियाँ और मैंने आलू ले लिए हैं, कट कर लेती हूँ और बड़े बड़े आलू के पीस काट कर टेस्टी सी पकौड़ी बनाएंगे चाय के साथ। तो चलिए काट लेते हैं सबको आलूओं को। और यहाँ पर ये वाली मूवी देखी जा रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और चलिए चाय के साथ टेस्टी सी पकौड़ी। तो यहाँ पर करारी करारी पकौड़ी बन रही है और जब मैं पकौड़ी बना रही थी एक तो पूरा छत्ता सा ही बन गया पकौड़ियों का, देख सकते हैं। और अब बना रही है तनीसा, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स दोनों माँ बेटी लगे हुए हैं। ये सारी पकौड़ी बनाने के बाद चाय पियेंगे साथ में। पकौड़ी हो गई तैयार, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पकौड़ी बन गई हैं, चाय के साथ खा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लग रही हैं। बच्चे भी खा रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पर शाम का समय विवेक लगा रहा है जोत, और शाम के समय ही मैंने सोचा कि एक तनीसा का लाचा कटवा देती हूँ। तो ये मेरी साड़ी है सिफोन की, बहुत ही सुंदर है, इसमें मैंने वीडियो बनाई है। तो चलिए तनीसा का सुंदर सा लाचा करते तैयार, और तनीसा से ही कटवाऊंगी, नापा बताती रहूँगी उसे और वो सीख भी लेगी थोड़ा थोड़ा। तो फ्रेंड्स रात का समय और आ गई है बारिश, देख सकते हैं। और हमें टंकी भर ले पानी की, क्योंकि बारिश के मौसम में लाइट जाने का डर रहता है, तो कब लाइट चल जाए पता नहीं चलता, इसलिए हमने यहाँ पर जो है टंकी भी भर ली है। और देख सकते हैं तेज़ बारिश हो गई है। और अब मैं जा रही हूँ राजमा की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आलू राजमा की सब्ज़ी बनेगी, रोटी बनेगी। तो पंखा चला रखा था, यहीं पे बैठे हैं सब। तो चलिए अब लग जाती है अपने काम में, मैं भी और तनीसा भी अभी थोड़ा सा रेस्ट लेगी। इसे अभी मैंने कटिंग करवाई कपड़े की, तो चलिए मैं लगूंगी अभी। पहले राजमा उबाल कर रख देती हूँ और फिर थोड़ी देर बैठेंगे, फिर लगेंगे रोटी बनाने में। इसमें ब्रेड भी डाल दिया है, ये देखिए इधर से। तो इसके ऊपर एक ब्रेड भी है और बढ़िया हो जाएगा पक्कर तैयार। लेंगे तो चला देते हैं। तो यहाँ पर आलू राजमा की सब्जी छौंक दी है, अब रोटी बनाने जा रही हूँ। और इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय।